हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का महत्व। सुनिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम। यह नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता, बल्कि खनन, मछली पालन, उद्योग, मकान निर्माण आदि सभी उत्पादन क्षेत्रों में क्रियाशील होने के कारण इस नियम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। नंबर सेकंड, बेसिस ऑफ माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरी, यानी कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार। माल्थस का सिद्धांत यह बताता है कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कम होती है। खाद्यान्नों में धीमी वृद्धि का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। नंबर थर्ड, बेसिस ऑफ रिकार्डियन रेंट थ्योरी, यानी कि रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत का आधार। रिकॉर्डों के गहरी खेती व विस्तृत खेती दोनों में लगान उत्पन्न होने का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम है। गहरी खेती में जब दिए गए भूखंड पर श्रम व पूंजी के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उत्तरोत्तर इकाइयों की उत्पादकता घटती जाती है, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत इकाई की तुलना में पहले की इकाइयों को जो बचत प्राप्त होती है उसे रिकॉर्डों ने लगान कहा है। इस प्रकार यह लगान उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता का ही परिणाम है। नंबर फोर्थ आता है बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इनकी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार। इस सिद्धांत में उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती हुई होती है। नंबर फिफ्थ, अफेक्ट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है। एक क्षेत्र में जनसंख्या उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है तब वहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन स्तर गिर जाएगा। नंबर सेकंड आता है इंसेंटिव फॉर इन्वेंशंस, आविष्कारों एवं खोजों के लिए प्रेरणादायक। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए अनेक आविष्कार एवं खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं सैद्धांतिक यानी कि थियोरेटिकल एवं व्यवहारिक प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हैं। अब आता है परिवर्तनशील अनुपात अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण। इसमें सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के निम्न कारण मानते हैं। नंबर फर्स्ट, फिक्सिटी ऑफ वन और मोर देन वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन मानवश्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो परिवर्तनशील साधन श्रम का स्थिर साधनों के साथ
अनुपात परिवर्तित होता चला जाता है। दूसरे शब्दों में बढ़ती हुई श्रम मात्रा को स्थिर साधनों की ओर कम मात्रा के साथ काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में श्रम की उत्पादकता कम होती चली जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। नंबर सेकंड आता है इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति के अधिकांश साधन अविभाज्य होते हैं। ये अविभाज्य साधन अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति तक तो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, किंतु जब अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति के बाद भी साधनों का निरंतर उपयोग जारी रहता है, तब साधन की उत्पादकता घटने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। नंबर थर्ड आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, यानी कि उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न ना होना। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता को उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता का मुख्य कारण मानती हैं। उनके अनुसार उत्पादकता प्रक्रिया में एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर केवल एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उनके अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, जिसके कारण सीमित साधन की कमी को किसी अन्य साधन से पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में साधनों की स्थानापन्नता की लोच अनंत नहीं होती, जिसके कारण घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। नंबर फोर्थ आता है स्केयरसिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों की सीमितता। कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर एवं सीमित होती है, जैसे भूमि। अतः जब तक एक उत्पादन किसी साधन की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाता तो उसे साधन की सीमित मात्रा से ही काम चलाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप सीमित साधन का अन्य परिवर्तनशील साधनों से प्रयोग अनुपात में बदल जाता है और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। आगे सुनिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्यवहारिकता में स्थिर साधनों की अविभाज्यताओं के कारण ही बढ़ते या घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की मात्रा प्रथम अवस्था में इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि आरंभ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग संभव बनाती है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा की निरंतर वृद्धि एक बिंदु पर स्थिर साधन का पूर्ण विदोहन, यानी कि परफेक्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेती है। इस बिंदु पर परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर साधनों का संयोग अनुपात अनुकूलतम ऑप्टिमम प्रपोर्शन होता है। यदि इस अनुकूलतम बिंदु के बाद भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो स्थिर साधन अति उपयोग ओवर यूटिलाइजेशन होने के कारण परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन घटने लगता है। यही घटते प्रतिफल का नियम है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकॉर्डो एवं माल्थस ने इस सिद्धांत को कृषि क्षेत्र पर लागू किया था। उनके अनुसार कृषि क्षेत्र तथा उससे संबंधित व्यवसाय जैसे मछली पकड़ना आदि में कुछ समय बाद घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। रिकॉर्डो के अनुसार भूमि की सीमित मात्रा तथा ह्रासमान उर्वरा शक्ति के कारण कृषि क्षेत्र में घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने घटते प्रतिफल
नियम को केवल कृषि क्षेत्र में लागू करके इसके क्षेत्र को सीमित कर दिया। आधुनिक अर्थशास्त्री उद्योग उत्पादन के सभी क्षेत्रों में इस सिद्धांत की व्यवहारिकता स्वीकार करते हैं। यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिद्धांत है, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। अन्य साधनों की तुलना में एक साधन की कमी सदैव घटते प्रतिफल को जन्म देगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन उत्पत्ति के साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता को घटते प्रतिफल का कारण मानती हैं। उनके अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, जिसके कारण स्थिर साधन की कमी को किसी अन्य साधन से पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार साधनों में स्थानापन्नता की लोच अनंत नहीं है, जिसके कारण घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। घटते प्रतिफल की व्यवहारिकता को देखते हुए विकसीर ने कहा है कि घटते प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम। एज यूनिवर्सल एज द लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।